इंडिया के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी अपने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड राधिका मर्चेंट से शादी करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंत और राधिका जुलाई 2024 में शादी के बंधन में बंधेंगे। हालांकि इससे पहले वो मार्च 2024 में अपनी प्री वेडिंग रस्मों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इवेंट की शुरुआत पहले गुजराती समारोह लगन लखवानू से हो चुकी है। इवेंट में हम दूल्हे की मां नीता अंबानी से सरप्राइज हो गए, जो अपने लुक में गुजराती टच को शामिल करते हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी। हाल ही में नीता अंबानी ने बेटे अनंत अंबानी की पहली प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए अनामिका खन्ना के कलेक्शन से एक लहंगा चुना था। अनंत अंबानी के लगन लखवानू के लिए नीता अंबानी ने आरी जरदोजी और थ्रेड वर्क डिटेलिंग वाला सतरंगा लहंगा पहना था। हालांकि ये उनकी घरचोला ओढ़नी थी, जिसने उनके लुक में गुजराती टच ऐड कर दिया था। नीता ने अपने लुक को एक हैवी नेक पीस, मैचिंग इयररिंग्स और मांग टीका से स्टाइल किया था। मिनिमल मेकअप के साथ ग्लासी लिप्स, पिंक बिंदी और लो बंद में बने बालों ने उनके लुक को पूरा किया। ईशा अंबानी ने भी अपने भाई अनंत के पहले फंक्शन के लिए मशहूर डिजाइनर अनामिका खन्ना का आउटफिट चुना। उनके आउटफिट में जटिल मोती की डिटेलिंग वाला डोरी वर्क लहंगा था। उनके आउटफिट में घरचोला ओढ़नी भी थी, जिसे स्वदेश के कारीगरों ने हाथ से बुना था। हालांकि जिस चीज़ ने सबका ध्यान खींचा वो ये था कि ईशा ने अपनी मां नीता अंबानी के इयररिंग्स और रिंग को पहना था। होने वाली दुल्हन लगन लखवानू के लिए राधिका ने अनामिका खन्ना का पेस्टल ब्लू टोन्ड लहंगा चुना था। उनके आउटफिट में एक खूबसूरत फ्लोरल पिंक चोली थी, जिसे पेस्टल ब्लू टोन्ड लहंगे के साथ मैचिंग दुपट्टे के साथ जोड़ा गया था, जिसे साड़ी स्टाइल में उनके कंधे पर पिन किया गया था। राधिका ने अपने लुक को थ्री लेयर नेक पीस, मैचिंग इयररिंग, मांग टीका और डायमंड ब्रेसलेट से पूरा किया था। दोपहर के फंक्शन के लिए राधिका ने अपना मेकअप मिनिमल रखा था। सॉफ्ट पिंक चीक्स, ग्लासी लिप्स, परफेक्ट लाइन आईज और रेड बिंदी के साथ हाईलाइट किया गया मेकअप उनके लुक को कंप्लीट कर रहा था। बीच में लहराते बालों ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।